हेलो गाइस, मैं हूं आकाश। गाइस आप भी तो ये वाला बैटरी यूज करते हो जो कि होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड इसका नाम है लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी। एंड गाइस ये बैटरी आप यूज तो करते हो लेकिन दिक्कत तब आता है जब इसको चार्ज करने की बारी आता है, क्योंकि मार्केट में जो चार्जर मिलता है वो तो आपको मिल जाएगा लेकिन उसका प्राइस जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, लेकिन उसका भी जुगाड़ आपके भाई के पास है। तो एंड गाइस इसका बेस्ट चार्जर बनाने के लिए आपको चाहिए सिंपली एक खराब मोबाइल की बैटरी जो कि आपको इजीली मोबाइल रिपेयर सबसे मिल जाएगी। मतलब इस बैटरी का ऊपर में एक सर्किट होता है कुछ इस टाइप का, आप देख सकते हैं ये देखो इस टाइप का कुछ सर्किट है जो कि मैंने पहले से ही निकल के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एंड आपको चाहिए मतलब बैटरी नहीं चाहिए, बैटरी का सर्किट चाहिए। देन आपको चाहिए सिंपली इस टाइप का एक चार्जर जो कि USB हो या फिर आप नॉर्मल चार्जर के भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अगर अभी सर्किट को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो टर्मिनल नजर आएगा जो कि बैटरी के साथ अटैचमेंट था। एंड यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है B- एंड B+, मतलब आपका जो लिथियम आयन बैटरी है इसका पॉजिटिव जो साइड है वो जाएगा इस वाले सिरे पे एंड इसका जो नेगेटिव वाला साइड है वो जाएगा इस वाले सिरे पे। एंड अगर आप इसको धीरे से उल्टा करोगे तो आपको यहाँ पर दो टर्मिनल नजर आएगा, मतलब तीन टर्मिनल नजर आएगा। बीच वाला टर्मिनल जो होता है वो फॉल्स होता है एंड यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इधर का हिस्सा ये पॉजिटिव है एंड इसका ये वाला हिस्सा नेगेटिव है। ऑलराइट गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे जो वायर है वो अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, इनपुट वाला वायर इनपुट में एंड आउटपुट वाला वायर आउटपुट में। एंड यहाँ पर आउटपुट वाला जो वायर है यहाँ पर हमने दो नियोडिमियम मैग्नेट भी कनेक्ट कर दिया है ताकि हम यहाँ पर इस लिथियम आयन बैटरी को इजीली यहाँ पर अटैच कर सके। ये देखो ये जो हिस्सा ये नेगेटिव वाला हिस्सा है एंड ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, देख सकते हैं। एंड आप जो है 2 घंटे वेट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि इस बैटरी में चार्ज हुआ है या नहीं। उससे पहले तो गाइस मैं आपको ये दिखा दूं कि इस बैटरी में चार्ज है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 20 में इसको सेट कर दिया है एंड यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये देखो इसका जो वोल्टेज है ये रीडिंग पूरा 0.0 दिखा रहा है। ये देखो इसका वोल्टेज रीडिंग पूरा 0.0 दिखा रहा है एंड यहाँ पर देख सकते हैं चार्जर में जो है रीडिंग, यहाँ पर देख सकते हैं चार्जर में रीडिंग हम देख सकते हैं, ये देखो 5.3 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये जो बैटरी ये पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। अब जो है 2 घंटे वेट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, ये बैटरी चार्ज होते हुए बहुत समय बीत गया। अब जो है इसका वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि अब वाकई में ये चार्जर काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा नेगेटिव में देंगे, देन ये पॉजिटिव वाला हिस्सा को पॉजिटिव में देने के बाद गाइस ये देखो 3.64 जो बैटरी पूरा जीरो था गाइस वो बैटरी 3.64 में पहुंच गया, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो चार्जर है पूरा अच्छा तरीके से काम कर रहा है। तो एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए छोटा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.